so sorry doctor, मैं नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन अब कॉल आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ, 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त रहा हो इंसान के हाथ में आ जाता है, उसका रेप हुआ है। सॉरी मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सबको कि ये होने लगेगा वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरे समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है, ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल घूम गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में, अगर शर्म है ना थोड़ी सी तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चों के रेप जो करते हैं उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, कहीं भीड़ ले जाकर। कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और उसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले, मैं कसम खा रहा हूं अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो में नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनूंगा। डॉक्टर आई एम सॉरी मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। आई थिंक यू आर राइट नवीन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल रिलीजन के नाम पे जो है क्या हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली रेप कैसा इतना बड़ा जो इशू है, इतना बड़ा जो सोशल इशू है इसके बारे में